Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and thank you so much for clicking on this video. तो आज की वाली नील आर्ट मैंने जो ट्रिपी इफेक्ट वाली नील आर्ट बनाई थी ना, तो उसकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. कम्युनिटी पोस्ट में इसकी बाइंग लिंक जो नेल पेंट मैंने यूज़ करी है और ब्रश की सारी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी. जो मैंने फोटो पहले डाली थी ना इस वीडियो को अपलोड करने से पहले, शॉर्ट वीडियो अपलोड करने से पहले, उसी के ही नीचे मैंने अभी इंक्लूड कर दिया है सारा लिंक. तो आप अगर ढूंढ रहे हो उसकी सारी डिटेल, आप जाके अभी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. वैसे ये नेल आर्ट बनाते टाइम मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है जब आप नया नया कुछ ट्राई करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. स्टार्टिंग में तो मैंने नेल पेंट ही अलग अलग नेल्स पे लगा लिया था. जैसे अपनी इंडेक्स और रिंग फिंगर में मैंने पहले लगा लिया था वाइट कलर का, जो वैसे नहीं है. मुझे बस अपने मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में वाइट कलर अप्लाई करना था, पर थैंकफुली मैंने उसे रिमूव किया, फिर दोबारा से उसे अप्लाई किया. और यहाँ पे थंब फिंगर में मैंने गलती करी थी. जो ये लाइंस बना रही हूँ ना, ये मैंने 4 लाइंस बना ली थी, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, 4 नहीं बस 3 लगानी है. तो पहले तो मैंने सोचा कि ठीक है जैसे बन रही है वैसे ही बनाते हैं, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं वैसे बना दूंगी और जैसा मैं लुक चाह रही हूँ वैसा नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दुख होगा इतना मेहनत करने के बाद भी. तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है दोबारा से करते हैं. सारा मैंने मिटाया और पता है बाकी के नेल्स पर भी मैंने लाइन्स बना ली थी और उसमें तो 6-7 लाइन्स बना ली थी, फिर उसका भी मैंने रिमूव किया और यहाँ पे दोबारा से मैंने लाइंस बनाई. मतलब बेस नेल पेंट लगाया और दोबारा से यहाँ पे लाइंस बनाई 3-3 वाली. और लाइंस ना परफेक्ट नहीं बन रही थी सारी. देखो मैं 2 साल से नेल आर्ट बना रही हूँ, फिर भी मुझसे परफेक्ट लाइन नहीं बन रही है जब मैंने ये पहली बार इसे ट्राई करा. हाँ, अब जब मैं दूसरी बार किसी के नेल्स पे ये करूंगी ना, डेफिनेटली परफेक्ट लाइंस बनेगी, क्योंकि मुझे एक आइडिया हो गया है. तो वही होता है, आप मुझे कॉमेंट करके कहते हो ना आपके जैसे नहीं बनी है. ऐसा है ना, स्टार्टिंग में आप कुछ भी नया ट्राई करोगे ना तो वो परफेक्ट नहीं बनती है. मेरी भी देखो परफेक्ट नहीं हुई है. तो मैं यहाँ पे अपनी ब्रश को क्लीन कर रही हूँ नेल पेंट रिमूवर से, उसके बाद उसे वाइट से मतलब फिक्स कर दूंगी, ताकि वो जो अजीब दिख रहा है वो वाला पार्ट वो अजीब ना दिखे. तो हमें फिक्स करनी आनी चाहिए, ओके? वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें नेल आर्ट बनाते टाइम. गलतियाँ तो होती रहेगी. अभी देखो मैं 2 साल से नेल आर्ट बना रही हूँ, फिर भी मुझसे गलतियाँ हो रही है, बट मुझे पता है कि उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं. तो मेन हमें सीखना है कि हमें फिक्स करनी आनी चाहिए. अगर आपको फिक्स करनी आ गई ना सारी चीज़ें, तो आप बहुत अच्छी नेल आर्ट बना लोगे. मतलब मेरे हिसाब से तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फिक्स करना आ गया है चीज़ें. सो यहाँ पे हमें ब्लॉक्स बनाने के बाद ना उन ब्लॉक्स को ब्लैक कलर से इस तरीके से फिल कर देनी है, जैसे हमारा जो चेस गेम होता है उनकी कैसी पैटर्न होती है वैसा ही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है. सिंपल, बस उस तरीके से ब्लैक कलर को फिल कर देनी है, ब्लैक बॉक्स को फिल कर देनी है. और इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक 0 नंबर की ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने कहा था ना मैंने मंडाला आर्ट के लिए लेकर आई थी, बट वो मेरे किसी काम नहीं आई. तो मैं उसे अपने नेल आर्ट में यूज़ कर रही हूँ. बाकी के ब्रश मेरे किसी काम नहीं आती है, पड़ी हुई है. आपने कमेंट करके भी कहा था कि हमें भेज दो दीदी, अगर भेज पाती तो पक्का भेज देती, बट वो बहुत पुरानी हो गई है यार. अभी कभी गिव अवे करेंगे, कभी अगर होगा हमारे पास उतना स्ट्रेंथ कि हम गिव अवे कर सके तो मैं कुछ प्लान करूँगी, ओके? और फिर देखो ये ब्लॉक्स बनाने के बाद ना हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है, जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करके देगी. मतलब आपको फील होगा कि ब्लर हो रही है आपकी नेल्स में, नेल की जो आर्ट बनी है नेल आर्ट वो थोड़ी सी ब्लर लग रही है वो. और वो तभी होगा जब ये वाइट कलर की जो ब्लॉक्स बनी है ना उसके राइट साइड में आपको पहले रेड कलर से लाइन्स बनानी है, और उसी रेड कलर की लाइन्स को टच करते हुए आपको येलो कलर की लाइंस बनानी है राइट साइड में. फिर लेफ्ट साइड में आपको डार्क ब्लू कलर की लाइंस बनानी है फर्स्ट, और उसी डार्क ब्लू कलर को टच करते हुए लाइट ब्लू कलर की लाइंस बनानी है. और देखो इसे अप्लाई करते करते ही हमारा ऑलरेडी वो ब्लरी लुक दिखने लगा है. ट्रस्ट मी, ये जो कैमरा मतलब लाइटिंग में ना इतना पता नहीं चल रहा था, बट मैंने धूप में इसे बस देख रही थी, लिटरली वो ब्लरी लुक लग रहा था. ये बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं था या फिर कुछ नहीं था, बस एक इस तरीके का आर्ट है जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करके देगी. और बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने इसे बना लिया. जब हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं ना और हमसे वो बहुत अच्छे से बन जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है.
आई थिंक आप ये चीज रिलेट कर पा रहे हो। और हाँ, ये नेल आर्ट इजी नहीं है, मुझे बनाने में इसे बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ऐसा है ना, वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, सच बताऊं तो। ऐसे नॉर्मली अगर मैं वीडियो नहीं बनाती रहती ना, तो ये नेल आर्ट मैं बहुत जल्दी बना ली रहती। बट क्या होता ना, हमें जब वीडियो बनाना होता है तो नेल को एक जगह में रखना पड़ता है, मतलब अपने हाथों को एक जगह में रखना पड़ता है, और उसके ऊपर अब मतलब नेल आर्ट बनाना होता है, जिसकी वजह से ना हमारा एंगल ठीक नहीं होता, तो बहुत स्लोली स्लोली बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर मैं नॉर्मल बिना कैमरा के से बनाऊँ ना, ऐसे ही अपने आँखों के पास अपने नेल्स को रख के अगर मैं बनाऊँगी, तो डेफिनेटली ये जल्दी बना लूँगी मैं। बट ऐसा था, वीडियो बनाना था, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा था, मिनिमम 2 घंटे तो लगे थे। बट इसे ड्राई करने के बाद और इसके ऊपर टॉपर लगाने के बाद जो रिज़ल्ट मुझे मिला ना, उसके बाद मैं सारा भूल गई। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई इसे बनाने के बाद। अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाना, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके, बाय।